लगभग जो सवाल में पूछा गया है कि 2,20,000 छात्र जो हैं वो पास किए हैं, तो आवेदन भी लगभग जो है तकरीबन उतना ही पहुंचा गया लाखों में। मंत्री जी ने अभी कहा कि ये जो है प्रायोरिटी वाइज स्कीम चल रहा है सरकार का, प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसमें भुगतान कर रहे हैं और कुछ भुगतान जो है नहीं हुआ है, किन किन कारणों से नहीं हुआ है हम ये जानना चाहते हैं, और लगभग 2,20,000 में से कितने छात्रों को भुगतान हुआ है। और महोदय 2018 से 21 हो गया महोदय, अब तक 18 वालों को जो है भुगतान नहीं मिला, तो किस बात की प्रायोरिटी है महोदय? ये कैसा योजना चल रहा है जहां प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार जो स्कीम चलाती है और नहीं मिलता है? ठीक महोदय, अब सुनिए सुनिए पहले ना महोदय, लगता है नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। हमने तो ईयर वाइज वित्तीय वर्ष वार आंकड़े बताए। हमने कहा है कि वर्ष 2018-19 में 17,311 आवेदन इस योजना के तहत प्राप्त हुए, जिसमें से 16,802 छात्राओं का भुगतान कर दिया गया। महोदय, हमने इसी तरीके से बताया कि वर्ष 2019-20 में 32,28,431 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 51,900 का भुगतान कर दिया है, और अभी तक लगभग 1,05,766 छात्राओं की सूची बनाकर उनका भुगतान किया जा चुका है। और हमने सिर्फ जो ये कहा कि आपका कहना ठीक है, हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लंबित हैं मामले, लेकिन ये लंबित हैं सिर्फ जो पिछले 1.5 साल से ये कोरोना का काल चल रहा है, सारे काम स्थगित से हो गए हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, उसके कारण लंबित है। लेकिन हम लोग छात्राओं को जरूर इस योजना का लाभ पूर्ण रूप से पहुंचाएंगे। 2018-19 में तो कोरोना नहीं था, तो 2018 उसका दे दिए